वेलकम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ए मैट्रिक्स करना है। इधर कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स करना है। सो ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन। टोटल इधर 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो 1x1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। क्या है, ए आई जे इक्वल टू सो आई प्लस जे होल्स को डिवाइड बाई 2 करके है। ठीक है, नाउ सो मैट्रिक्स क्या आएगा, सोल्यूशन है। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सो 2x2 है इसलिए एलिमेंट्स क्या आएगा, ए 11, ए 12 एंड ए 21, ए 22, इन चारों एलिमेंट को हम फाइंड करना है। इधर आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 1 एंड 2 है एंड जे भी क्या है इधर 1 एंड 2 है। ओके, नाउ फर्स्ट ए 11 फाइंड करेंगे इधर। नाउ सो आई इक्वल टू 1 लेंगे, जे इक्वल टू 1 भी लेंगे, क्या आएगा इधर। सो इक्वेशन क्या है, ए इक्वेशन लेना है। सो दैट इज ए इक्वेशन रिमूव कर, ए आई जे इक्वल टू यही लेना है, आई प्लस जे होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, इसको ही लेना है। सो आई इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, द एलिमेंट इज ए 11। सो आई इज 1 है, जे इज 1 है, इसका होल स्क्वेयर आएगा डिवाइड बाय 2। ओके, ए क्या आएगा, सो 2 स्क्वेयर डिवाइड बाय 2, 2 स्क्वेयर क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4x2, दैट इज आंसर इज ए 2 ओनली। ठीक है, नाउ सेकेंड ए 12 फाइंड, ए फर्स्ट हो गया, बाद में सेकेंड फाइंड करेंगे। ए 12 मतलब आई इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 2 करके लेंगे, इसका एलिमेंट क्या है, ए 12, आई 1 है, जे 2 है इधर, ओके 2 आएगा, इसका होल स्क्वेयर करना है डिवाइड बाय 2, इसको 2 को ठीक से लिखेंगे। ओके, नाउ 1 प्लस 2 3 स्क्वेयर हो गया डिवाइड बाय 2, 3 स्क्वेयर का मतलब 9 है, 9/2, ए 12 का एलिमेंट क्या आ गया, 9/2 आ गया। उसके बाद ए 21 फाइंड करना है, सो आई इक्वल टू 2 आएगा एंड जे इज इक्वल टू 1 आएगा इधर। सो ए 21 दैट इज इक्वल टू आई 1 एंड जे इज 1, इसका होल स्क्वेयर लेना है डिवाइड बाय 2 करना है। सो ये हो गया 3 स्क्वेयर बाय 2 दैट इज ए 9/2, अगेन सेम एलिमेंट प्रीवियस का। बाद में ए 22 का फाइंड करेंगे, सो आई इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 2, उसका एलिमेंट ए 22 आएगा। सो आई 2 है, जे 2 है, उसका होल स्क्वेयर लेना है डिवाइड बाय 2 करना है। सो 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 स्क्वेयर हो गया डिवाइड बाय 2, 4 स्क्वेयर मतलब 16 बाय 2 मतलब 8। ठीक है, ना एलिमेंट्स क्या है इधर, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इधर क्या है, ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, इस तरह है वो सभी हमारे वैल्यूज है इधर एलिमेंट्स। ए 11 क्या है, 2 है इधर, बाद में ए 12 क्या है, 9/2 है, 9/2, ए 21 क्या है इधर है, 9/2, ए 22 का 8 है। इस तरह से हम मैट्रिक्स को 2x2 मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेम है, कंस्ट्रक्ट 2x2 है। सो क्या है दूसरा एग्जाम्पल इधर, ए आई जे इक्वल टू आई डिवाइड बाई जे, सेम ही मैट्रिक्स लेना है, मैट्रिक्स सेम ही एलिमेंट्स आएगा। ओके, 2x2 का ही सेम ही आएगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इस तरह मैट्रिक्स ए हो गया। ओके, सो आई भी सेम आएगा, आई इक्वल टू 1 एंड 2 आएगा, जे भी सेम आएगा, जे इज ऑल्सो 1 एंड 2। सो मैट्रिक्स इधर ए आई जे दिया गया है, सो आई डिवाइड बाय जे करके है। ठीक है, सो 1x1 लेंगे, फर्स्ट क्या लेंगे, ए 11 लेंगे, मतलब आई इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1, सो ए 11 है। सो 1x1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, बहुत ही सिंपल है। बाद में ए 12 फाइंड करेंगे, सो आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 2। ओके, ये हो गया ए 12 एलिमेंट, सो आई इज 1 है, जे इज 2, दैट इज 1/2, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। बाद में ए 21, सो आई इक्वल टू रहेगा मगर जे इज इक्वल टू 1 आएगा इधर, सो एलिमेंट इज ए 21। सो आई इज 2, जे इज 1, दैट इज 2x1 इज 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट आई इक्वल टू 2 इसका लेंगे हम, आई इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 2, सो ए 22, 2x2 आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, सो मैट्रिक्स क्या है इधर, मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट, ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, 2 रोज 2 कॉलम है, ए 11 हो गया। ओके, मैट्रिक्स 1 आ गया, ए 21, ए सॉरी ए 12 है, सो 1/2 आ गया, ए 21,
ये टू आ गया, ए टू टू दैट इज वन। इस तरह से हम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए इधर, ओके क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स टू बाई टू, सेम ही मैट्रिक्स है, मगर क्या है, ए आई जे इक्वल टू क्या है इधर, आई प्लस टू जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू करके है। सो मैट्रिक्स सेम है, सोल्यूशन है, मैट्रिक्स सेम एलिमेंट्स आएगा, टू बाई टू मतलब टू रोज एंड टू कॉलम्स, ओके इस तरह से हम एलिमेंट्स लिखेंगे। सो मतलब इस हिसाब से क्या हुआ, मैट्रिक्स हिसाब से आई इक्वल टू वन एंड टू आएगा एंड जे इज इक्वल टू क्या है, ए बी वन एंड टू आएगा। सो ए आई जे दिया गया, ए आई जे इज गिवन आई प्लस टू जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू करके है, ठीक है। सो वन बाय वन फाइंड करेंगे, फर्स्ट ए वन वन क्या है देखेंगे, सो आई इज इक्वल टू वन है एंड जे इज इक्वल टू वन है इधर। सो ए वन वन इज वन प्लस टू इंटू वन दैट होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, सो ये हो गया वन प्लस टू होल स्क्वायर हो गया, टू इंटू वन टू हो जाएगा, सो वन प्लस टू रह गया डिवाइड बाई टू, ये हो गया थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर बाई टू क्या है नाइन बाई टू आ गया, ठीक है। बाद में ए वन टू फाइंड करेंगे, उसका मतलब आई इक्वल टू वन है एंड जे इज इक्वल टू क्या है टू है इधर, ए वन टू हो गया, ओके आई इज वन जे इज टू इस तरह आएगा ये, ठीक है। नाउ इसका होल स्क्वायर कहेंगे डिवाइड बाई टू, ये हो गया वन प्लस टू इंटू टू इधर फोर हो गया, दैट होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, वन प्लस फोर फाइव, फाइव स्क्वायर हो जाएगा, फाइव स्क्वायर बाई टू मतलब ट्वेंटी फाइव बाई टू। बाद में ए टू वन फाइंड करेंगे, आई इज टू एंड जे इज इक्वल टू वन, मतलब जे सॉरी ए टू वन इक्वल टू आई इज टू प्लस टू इंटू जे इज वन इस तरह आएगा, दैट इज ए होल स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, टू तो टू रहेगा, सो टू इंटू वन टू वो भी टू रहेगा, सो इसको होल स्क्वेयर लेंगे डिवाइड बाई टू, टू प्लस टू फोर, फोर स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, फोर स्क्वेयर मतलब सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई टू एट हो गया, ओके बाद में ए टू टू आई इज इक्वल टू टू एंड जे इज इक्वल टू टू है, मतलब ए टू टू आएगा, ठीक है। सो आई इज टू प्लस टू इंटू जे इज ऑल्सो टू, सो दैट होल स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, सो टू प्लस टू इंटू टू फोर हो गया है, उसका होल स्क्वेयर लेंगे डिवाइड बाई टू, ठीक है। नाउ सो टू प्लस सिक्स, सिक्स स्क्वेयर आएगा था, सिक्स स्क्वेयर बाई टू, सिक्स स्क्वेयर मतलब थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स बाई टू दैट इज एटीन ओनली, ठीक है। सो मैट्रिक्स क्या है इधर, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू फर्स्ट हो गया, ए टू वन, ए टू टू सेकेंड हो गया। सो ए वन वन एलिमेंट ए है, ए वन वन दैट इज इक्वल टू नाइन बाई टू, ए ए टू टू का है, ए वन सॉरी ए वन टू का है ट्वेंटी फाइव बाई टू, बाद में ए टू वन का है दैट इज एट ओनली, ए टू टू का एटीन है। इस तरह से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। सब्सक्राइब किया तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चाहिए, आई बटन में भी कुछ लिंक्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।